So guys, this is the comment section for yesterday's vlog. कल हमने ना एक्सपेरिमेंट किया था और दो डाले थे, एक डाला था 6:15 और एक डाला था 9:15। क्यूमुलेटिव व्यूज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कल वाला ब्लॉग लोगों ने कम देखा है और कमेंट सेक्शन सिर्फ 1200 लोगों ने देखा, बट हम इसे डीमोटिवेट नहीं होंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ कमेंट्स वी हैव गॉट इज अराउंड 80, तो दोनों के लेंगे। पर वैसे आई वुड से कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन भी देखा करो अगर आपका मन है तो। सो दिस इज द सेकेंड कॉमेंट सेक्शन फॉर यस्टरडेज व्लॉग जो 17 तारीख को आया था, 17 अप्रैल का 155th व्लॉग के हम कॉमेंट्स ले रहे हैं जो आज आपको दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। जय जा DCM, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। राहुल भैया इतना लोड मत लीजिए, ब्लॉग और कमेंट एक ही साथ रखिए। जिसको कमेंट सेक्शन नहीं देखना वो नहीं देखेगा, जिसको ब्लॉग देखना है वो देखेगा, और जिसको दोनों देखना है वो फुल ब्लॉग देखेगा। बात तो आपकी ठीक है यार, मैंने कहा एक हफ़्ता ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना। एक हफ़्ता ट्राई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RJ Special Gaming 7798 कहते हैं, हाई सर, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन जोईज हेल्थ बिकॉज चमेली पपी ग्रोथ इज बेटर देन जोई लाइक चार्ली एंड दामिनी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सच नहीं है। RJ Special Gaming, जोई का वेट आप ये लगाओ 26 kgs है एक साल बाद, और चमेली के पपीज़ अभी छोटे हैं, दे आर जस्ट लाइक 7 months, 7.5 months, और उनका वेट अभी भी 20 kgs टच नहीं हुआ है, क्योंकि हम जब उसका आँख का कराने गए थे तो 20 kgs उसका वेट आया था, और जब वो एक साल के हो जाएंगे वो भी 26-27 kg के होंगे। तो ये भी वही खाना खा रहे हैं जो वो खा रहे हैं, और उनको भी वही खाना हम देते हैं जो इनको देते हैं। कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई सस्ता पेडिग्री नहीं यूज़ करते। अगर ये जो सेरा खा रहे हैं तो वो भी जो सेरा खा रहे हैं, अगर ये रॉयल कैनिन खा रहे हैं तो वो भी रॉयल कैनिन खा रहे हैं। तो वैसे भी कल हमारा एक 20 किलो कट्टा आ गया है पेडिग्री प्रो का, क्योंकि इनको बाहर वालों को पेडिग्री प्रो ज़्यादा पसंद है। तो यार मैं ना ऐसा नहीं कर सकता, अपने वालों को अच्छा खिलाऊँ दूसरे को बुरा खिलाऊँ, ठीक है। तो या तो बिल्कुल मत खिलाऊँ, बट आपने जो बोला यार हेल्थ पे क्या ध्यान दो, आज अभी सुबह का ब्रेकफास्ट आया, पट 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 करके खा लिए। एक्सरसाइज थोड़ी अब कम हो जाएगी गर्मियों में, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं, अभी भी बाहर घूम रही है वो, ठीक है। तो डेफिनेटली हेल्थ में थोड़ा सा फैट और चढ़ जाएगा, एक्सरसाइज कम हो जाएगी। हाँ जी जोई, ये ना बाहर ही घूम रही है। तो शालिनी शाह 8585 कहते हैं, राहुल भैया जोई की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये क्लोई चाहते जितना भी जोई को इरिटेट करती है बट वो कभी क्लोई पे गुस्सा नहीं करते। ये सेम चीज़ ना जोई ने की है लेडी ऑली के साथ, लेडी ऑली ने की है बब्जी के साथ। अब मेरी बात समझो, ये साइकिल ऐसे से चलेगी आगे जाके, कभी जाके बाप अगर आया, जब भी आएगा, तो वो पता है किसके साथ खेलेगा, वो खेलेगा क्लोई के साथ, वो क्लोई को इरिटेट करेगा, वो क्लोई उसको माफ़ कर देगी। आप समझते हो ना मेरी बात, बच्चा है, पागल है, करता रहेगा। और जोई मुझे बाहर से खिड़की में से देख रही है कि तू इतनी बातें कर रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर बुला ले, एसी चल रहा है। लव टू जेन जोई व्लॉग्स फ्रॉम कोलकाता, ग्रोथ ऑफ क्लोई इज़ वेरी अमेजिंग, रोशनी इज़ ट्राइंग टू प्ले विद योर पैक एंड लर्निंग द रूल्स ऑफ योर पैक, वन डे शी डेफिनेटली रन क्लोई एंड जोई एंड प्ले विद देम, डेफिनेटली मैं भी वो होप कर रहा हूँ। रोशनी इज़ लर्निंग क्यूट क्लोई एंड जोई, ऑसम व्लॉग्स, लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली, हाउ टू गिव पॉटी ट्रेनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा ना पॉटी ट्रेनिंग का हिस्सा बहुत अलग है। रुको, ये ब्लॉग के बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कैमरे पे आपको क्या दिख रहा है, ये देख रहे हो आप, ऊपर कैमरा है, CCTV, ठीक है। ये तीनों के तीनों ना अंदर आने की ना पूरी कोशिश कर रहे हैं, ले आओ इसको। और हाँ, मैडम की एंट्री हो गई है फाइनली। हाँ जी मैडम, ऑल गुड है, नो गुस्सा, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्से में लग रही थी तुम ना, ना। तो ये देखो, ये तीनों के तीनों अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, CCTV कैमरे की लाइव फुटेज है। चौथी उधर, चौथा है कहाँ, वो उधर बैठा हुआ है। तो पॉटी ट्रेनिंग के बारे में लेट्स टॉक, K9 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन ये तुमने सेटअप कितना अमेजिंग कर दिया। क्या मतलब? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ ठीक है यार, थर्ड। और उसके बाद राहुल भैया, आप जोई की मीटिंग करवाओगे एंड आप चाहे जोई के बच्चे फ्री में दो या कितने का भी, मैं जरूर लूँगा। अभी नहीं, अभी बहुत छोटी है वो, कपड़े तो पहनने दो उसको। बाल तो आने दो। राहुल भैया जी, जोई इज बेस्ट अमंग ऑल योर पेट्स, ऑल आई वांटेड टू से दैट व्हेन जोई विल बिकम फुल ग्रोन GST एंड व्हेन शी विल ग्रो फुली, सो विल बी मच मोर बिगर एंड टॉलर देन। हाँ डेफिनेटली, वो बब्जी ऑल
लेडी ऑली से डेफिनेटली बड़ी निकलेगी और फ्लफियर निकलेगी। क्वेश्चन है उनका, और जब उसका कोट वापस आएगा तो उसके कोट इस बार का जैसा नहीं होगा क्या, और कोट का कलर सेम रहेगा पुराने कोट जैसा या कलर चेंज होगा? वेल, मैंने ना GSD तब रखा था व्हेन आई वाज 3 years old, और वो हमारे साथ रहा था जब मैं 7 साल तक का था। उसके बाद मेरा GSD के साथ काउंटर्स नहीं है। मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ जिन लोगों के पास जर्मन शेफर्ड्स हैं। मेरे ख्याल से कोट सेम रहेगा, बाकी आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपने ज़्यादा उनके साथ रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हो इस कमेंट के बारे में, और मेरा आंसर देना ठीक रहेगा इसके ऊपर। नया नहीं, पर तुमने इसके बाल ट्रिम करे हैं, जड़ से थोड़ी उखाड़े हैं। कोट में चेंज का पूछ रहे हैं, हर को पर बाल उगने ही है ना। हाँ, बाल उगने ही है। यस यस, कमेंट सेक्शन मस्ट बी देयर। बहुत अच्छा लगता है जोई और क्लोई का खेल देख, और आपके सारे पेट्स चमेली के बच्चों के साथ सोशलाइज होते देख कर भी अच्छा लगा। इनका नाम है श्री विद्या MNA मिंडिंगर 3753। टीम कालू लाइक करो, कर लो भाई टीम कालू, इतना मारेंगे ना कालू बॉम्ब से बता दो। अरे टीम कालू लाइक करो, हंस रहा है फिर। अशोक बंटवारिया 5310, राहुल भाई, जोई लुक्स सो स्किनी फॉर हर एज, GSD ग्रोज फास्टर बिटवीन 1 to 2 years, सो फीड हर इनफ ड्यूरिंग दिस एज। Her body needs more diet during this age, and look at her legs, bone are so small. At this age of 1 year, my JSG looks so buff and his bones are so much big. हो सकता है आपको अगर याद होगा तो हमने पहले ना वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड से हमारे पास 4 याद है तेरे को मन्नी? ठीक है, तो हमने उनको ना ये सेम डाइट दी थी, तो उसकी मम्मी अवेलेबल है अगर किसी ने लेनी है, 6 साल की है। ठीक है, मम्मी अवेलेबल है, यस किसी ने लेनी हो तो। बट वो बच्चों की ना मेरे पास वीडियोस आई हैं वेस्ट बंगाल से, वो आपको कल के ब्लॉग में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों वेस्ट बंगाल गए थे। और आप कहते हो कि GSD की ग्रोथ की आप मुझे बात कर रहे हो ना, वो जो निकले हैं ना वो निकले हैं दानव। ठीक है, वो इतने बड़े GSD किसी ने नहीं देखे होंगे, और वो कितने टिग्गे से घूम के रहते थे यहाँ पे कालू से 4-4। ठीक है, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी गाड़ी का नंबर आ गया, नंबर की रजिस्ट्रेशन की पेमेंट चली गई है, जो नंबर आ गया, नंबर भी तो आ गया, नंबर अभी तो एप्लीकेशन नंबर है, नंबर भी आ जाएगा, मतलब आगे कॉलिंग। तो अच्छा जी, दिशा शर्मा कहती है लव योर व्लॉग्स एंड नमितोलॉजी पैक वेरी मच। एक हमारे सबसे जेन्युइन है ल्यू एक्सप्रेस, तू भी बाल कटवा दे, बाद में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता क्या, तुझे पता है क्या क्या बोलना होता है क्या, ये सिर्फ बकवास करनी होती है क्या? ओके, एग्री विद यू 10-30 times स्पेंड, आई वुड लव टू वॉच बोथ। थैंक यू। लेडी ऑली के जिम ले जाओ, हम जिम खुद ही नहीं जा रहे हैं, कह रहे लेडी ऑली को जिम ले जाओ। जब से मैं जिम की वीडियोस डालता हूँ ना, उसके बाद मेरा जिम बंद। भैया मेरे पास भी रॉटवाइलर है, समर में टाइम डॉग वॉमिट करता है, मेरे का रहा है आफ्टर फूड, इट्स नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, हीट स्ट्रोक के पूरे चांसेस हैं। उसको ना जितना हो सकता है AC में रखो। अब टाइम है मेरे बच्चों को अंदर बुलाने का, तो मैं बुलाने भी वाला हूँ, और पानी भी। ये ठीक रहेगा, कमेंट्स अलग ही कर दो भैया, यार एक हफ्ता ट्राई करते हैं। हेलो राहुल भैया, आई एम विनीता फ्रॉम दिल्ली, आई वॉन्ट टू आस्क यू, कैन वी कंप्लेन टू द पेट डॉग दैट द डॉग इज बीन रेगुलरली बींग लॉक्ड इन साइड द हाउस वाइल इट्स ओनर्स आर एट वर्क, प्लीज रिप्लाई, इट इज अर्जेंट एंड इफ आई कैन कंप्लेन वेयर कैन आई कंप्लेन, बताओ। मेरे ख्याल से पहले उनसे बात कर लो। आई थिंक यू शुड बेटर टॉक विनीता जी से, आप विनीता जी आप बात करिए अपने पड़ोसियों से, अगर उनका डॉग वो बनता तो उनको बोलो कि आप हमें दे जाओ। ठीक है, नहीं तो फॉस्टर होम में दे जाओ। बीच में जैसे बच्चों को वर्किंग मदर्स क्या करती हैं, उनको कहाँ छोड़ देती हैं? हॉस्टल, डे बोर्डिंग, डे बोर्डिंग टाइप, उनको बोर्डिंग्स में छोड़ दो, पर उनको ऐसे खाली छोड़ना इज नॉट गुड। और इसमें ना कोई खराबी भी नहीं है, मैं आपको विनीता जी समझाता हूँ, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज्यादा है, घर के अंदर अगर प्रॉपरली खाना रखा है, वेंटिलेटेड है, और डॉग को समझ है कि उसे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो इट इज वेरी सेफ टू लॉक देम इनसाइड द हाउस। बस 8-10 घंटे की जॉब होती है, उसके बाद वो आ जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, अनलेस अनटिल कोई डॉग को मार रहा हो या उसको मिजरी हो रही हो तो प्रॉब्लम है। लव द कमेंट्री व्हाइल जोई एंड क्लोई प्लेइंग राहुल, थैंक्स राहुल ब्रो, फाइनली यू शेव्ड ऑफ जोई, आई वाज आस्किंग यू टू गेट इट डन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज दे फील एक्सट्रीमली हॉट विद सच अ कोट। GSD ओनर UK वाली ब्रो सेना, मतलब अच्छा मैंने कल ब्रो सेना बोली गलती से, उसको लगा UK वाली। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन, हु इज मोर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, बब्बा और ओला? इसका आंसर है लेडी ओली।
यस, रात को कमेंट सेक्शन डालना प्लीज, अयान लातिफ। लेडी ऑली के फादर मदर और बब्जी के फादर मदर की वीडियो दिखाओ। यार अभी ना मेरा फोन फॉर्मेट हो गया, मंगवा लेता हूँ, ढूंढ लेते हैं। ठीक है भैया, लाइव कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए। बात तो सही है, संडे आने की कोशिश करते हैं। राहुल भैया, मुझे न्यू डॉग लेना है, गोल्डन रिवर और लेब्राडोर, में से कौन सा लूँ? लेब्राडोर। गोल्डन रिवर मत लेना, बालों की बहुत प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की। डिफरेंट वीडियोज अपलोड कीजिए व्लॉग एंड कॉमेंट के लिए, थैंक यू। ये राहुल भाई का टाइमिंग स्लॉट ऑफ टू विल बी फाइन, फर्स्ट नॉर्मल ब्लॉग, अनदर इज अ कमेंट सेक्शन, बट दिस विल बी वेरी टायरिंग फॉर यू, फॉर योर एंड आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स फॉर यूट्यूब फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद गुड हेल्थ वेल्थ एंड टेक केयर। जय श्री राम। जय श्री राम जी। इनका नाम है विक्नेश्वरी 9669। राहुल अंकल 930YSC, मुझे मतलब नहीं समझ आया। Congratulations on completing 155 episodes of this amazing YouTube channel, Sparsh Gupta. Thank you, Sparsh. तो इससे तो हमने अपने ब्लॉग के 47 comments ले लिए और 33 comments हैं हमारे अगले section के, तो इसको भी ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सौरभ भंकूर 569, एक बार फिर बल्लाल देव वीडियो अपलोड करिए भैया शॉर्ट में। शॉर्ट में आप अपनी पर्सनल लाइफ से कितना सेक्रीफाइस करते हो और बाबा वाले बहुत करते हैं यार। क्यान अली, आई एम कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग वाइल वॉचिंग राहुल रीडिंग कॉमेंट्स विद दोज एक्सप्रेशंस, ब्रो यू मेक माई डे, माई एवरी कॉमेंट हैज इट्स ओन एक्ट एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, थैंक यू। क्यान अली पहले हमें लाइक नहीं करता था, है ना? अब करता है, हाँ। संजीव मिस्टी दास, बहुत अच्छा नाम है इनका। नहीं राहुल भैया, जोई जैसा है बहुत हेल्थ है, ज़्यादा फैट GSD और लैब के लिए प्रॉब्लम होते हैं, उनका हिप एंड जॉइंट प्रॉब्लम होता है बहुत, वो डिजीज फ्री डॉग्स एंड हेल्दी हैं, बहुत अच्छा है बाय GSD बाय गॉड ग्रेस। आप समझते हो इस चीज़ को। Zoe is looking very cute and beautiful. Keep it your work. Big fan. Kian Ali dobara kehta hai, I wonder if those irritating kids that do not like comment section as they just want to see stuff. Come from Goa please. Bubsy and Lady Ollie and Zoe and Chloe, they'll happy in beach. Inka naam hai Ashwik Kambli 4664. मैं तो कह रहा हूँ ये जा ही नहीं रही है, पर गर्मी बहुत है ना अभी, हमें ना छत के ऊपर ना कुछ लगाना पड़ेगा ताकि हम डॉग्स को अच्छे तरीके से लेके जा सकें। कौन नहीं जा रही? तू नहीं जा रही गोवा? जे कब आएगा प्लीज, उसे वापस लाओ, वो कल रात को भी हमारे साथ था। आपने सुबह नमेटोलॉजी का ब्लॉग नहीं देखा तो देख लो, ऑसम वीडियो, लॉट्स ऑफ लव। राहुल भैया, आप क्लोई की ट्रेनिंग वीडियो भी बनाया करो। यार नहीं यार, फिर सारे राज खुल जाएंगे। देखो लड़ रही है। क्लोडो, जोई, अंदर आ जाओ दोनों। ले आ इनको अंदर। वो दोनों का है। ले आ इनको भी, लिया मैं अंदर छुपा लूंगा इधर। बस लेडी ऑली को देखिए, मैंने कहा इंटरनेट ठीक कराया, नहीं तोड़ेगी तो बैठी रहेगी। तो चलो जी अगला भैया, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कमेंट, आई लव यू। रश्मि शर्मा, भाई मेरे पास जर्मन शेपर्ड है, उसको ट्रेन कैसे करो? यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, इजीली है ट्रेन करना। देख लो सारे के सारे अंदर आने वाले हैं भाग के। हाँ भाई सारे के सारे, ओ देखो देखो उधर 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 उधर, इधर कोई भी नहीं आएगा इंटरनेट के पास। नहीं क्लोडो बेटा, बाहर 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 बेटा, नहीं बाहर, सारे के सारे बाहर, इधर आओ। सबको लेट करने को तो बांध दो ना। बांध दे तू, बांध दे उधर। ओला कम, बांध दे ओला, सिट ओला, ये ना। हाँ ये मन्नी की आवाज थी। हट जा क्लोडो। ठीक है, और मन्नी गुस्सा कर रही है। मन्नी ऑफिस के कपड़े पहन के आई थी, उसके ऊपर चढ़ गई है हमारी। और बब्जी मेरे टांगों के अंदर इधर था। जोई बाहर हो जा, ये देखो ओए पीछे से ही, ये ना बब्बे तू यहीं चुपचाप बैठ जा। ठीक है अब सारे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो गाइस कमेंट सेक्शन अभी आगे और शुरू करते हैं। बब्जी इज बोरिंग, ठीक है बब्जी इज बोरिंग। बब्जी मेरे पैरों के पास पड़ रहा है, इनका नाम है SHRTUS। अगर बब्जी बोरिंग है तो आप प्लीज एक बार आके मिलिए, आप हाँ आपको बब्जी बहुत एंटरटेन करेगा। और उसके बाद बोरिंग छोड़िए, मुझे लगता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी नहीं मिलेंगे। तो ये कमेंट सेक्शन थे आज के, सिर्फ 15-16 मिनट के, आपने सारे देखे, मजा आया। तो अगर आपने शाम का व्लॉग नहीं देखा तो उसे जरूर देख लो, 6:15 वो आ गया होगा और ये 9:15 है। अब एक हफ्ता तक हम ट्राई करेंगे व्लॉग अलग, कमेंट सेक्शन अलग, जे एन जोई पे सिर्फ, क्योंकि आपके लिए हम एफर्ट कर सकते हैं। सी यू टुमारो, और शायद कल तक हमारी नई गाड़ी आ गई होगी। जय माता दी, जय हनुमान जी, बाय।